मारे बेटा, ये दोनों मछलियाँ दो दो किलो से भी ऊपर की हैं। दो किलो से ऊपर की नहीं, आठ आठ किलो की मछली है। एक को बाजार में बेच दूंगा और दूसरी को फ्राई करके खाएंगे, मस्त मजे करेंगे। अच्छा तो फिर इधर ला, चंदेरी, रानी, प्रीति, अरे देखो तो। भाई उस बुढ़िया के हाथ से दोनों मछलियाँ छीन लो। अभी चिंता भाई, मैंने अपनी सारी उम्र में इतनी बड़ी बड़ी मछलियाँ कभी नहीं देखी। ए मछली भाई को चाहिए, चला। अरे तुझे देंगे तो कोई फायदा नहीं होगा, उल्टा घाटा होगा। बाजार में जाके बेचेंगे तो कीमत मिलेगी। ए, तो बाजार में जाके बेचेगी तो फिर हम क्या करेंगे? चला। ए, ए, ए। अरे छीन रहा है, देखो तो। मालिक ऐसा मत कीजिए मालिक। अरे बुढ़िया, मैं इसे मारूंगा तो ये मर जाएगा, ये सोच कर डर रही है। नहीं तो ये मारेगा तो तू नहीं बच पाएगा, इस बात का डर है। क्या समझती है, मैं कोई चूहा हूँ क्या? ए, तेरा ही समय खराब है तो मैं क्या करूँ। इधर ला, मार इसे। मारो साले को। से खाना पक गया है, आके खा जा। अरे तू जरा चुप रहे माँ, मैं इनको नरम करके आता हूँ। क्या जरूरत थी पंगा लेने की, हो गई ना पिटाई। जिस काम से आए थे वो चुपचाप करके जाओ ना, अपने बाप की मछली समझ के छीन के चल दिए। डगा 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 डगा, हाथ तोड़कर पैर में लटका दूंगा सालो। जाओ रे, चलो जाओ यहाँ से, खाली खड़े होके तमाशा देख रहे हैं। खाना खाने तो आ जा। पहले मुझे फ्रेश होने दे। ए, पता नहीं इस लड़के को क्या हो गया है। मेहनत करके मछली हम पकड़ते हैं और हमारी कमाई वो लोग खाते हैं। ए गोलू। हाँ भैया। अरे जल्दी लाना यार। लाया, ये लो। ये भी दे।
गोलू। हाँ भैया। ये बकरे की ही है ना? मेरी माँ की कसम भैया, ये बकरे की ही है। फिर ठीक है। ये ले, तुझे पीने के लिए मना करने के बाद भी तू रोज पीकर आता है। ये बात मेरे बाप को बता। वो देख सामने दीवार पे उसका फोटो है। शराबी नहीं वहाँ शराबी था वो। मैं भी तो उसी का बेटा हूँ ना, तो उसी के रास्ते पे चलूंगा। ए माँ, तेरी दी हुई गंजी से मेरा पेट नहीं भरा। तू भले ही भूखी रहे लेकिन मुझे दे दे ये सब। अरे बेटा मुझे भी तो भूख लगी है ना। भूख लगी है तो बना के खा ले ना। Recitation of the batting average of every filly that stepped up to play. The time the boy must have wasted learning these averages. Namaste, how are you? क्लास में पीके क्यों आया है? चल बाहर निकल। सर वो क्लास में पीकर बैठा है। क्लास में पूरी बदबू आ रही है। सर आप चल के देखिए ना सर। एए, अरे क्या करने जा रहे हो? रुक जाओ। अरे अबे मैं स्कूल में क्यों नहीं आ सकता? अबे स्कूल नहीं मेरे बाप, कॉलेज है कॉलेज। हाँ वही वही, क्यों नहीं आ सकता? सड़क छाप लोगों को कॉलेज में प्रवेश नहीं मिलता है मेरे बाप। मेरी माँ कहती है पढ़ाई करो और तू बेटे कॉलेज में मत आ। मुझे इज्जत से पढ़ाने का, नहीं तो नीचे फेंक दूंगा समझा ना। बाप रे, टीचर उसके कॉलेज में आने से किसी को क्या तकलीफ है? किसी को गाली नहीं देता, किसी को मारता नहीं, किसी की रैगिंग नहीं करता। वो आकर एक कोने में चुपचाप बैठ जाता है, उसे रहने दो। सर लेकिन वो प्लीज गो। हेलो सर, यस सर। सर गुड मॉर्निंग सर। कौन है आप? सर मैं इस कॉलेज का प्रिंसिपल हूँ। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड नाइट कहने में टाइम बर्बाद मत करो। ये टाइम बच्चों को पढ़ाने में लगाओगे तो बच्चों का उद्धार होगा, बच्चों का उद्धार होगा तो देश का उद्धार होगा। सर ओ माय गॉड, इस तरह कॉलेज मेंटेन किया जाता है? सर ये गवर्नमेंट कॉलेज है। गवर्नमेंट को आकर तुम लोग समझते क्या हो? इस गवर्नमेंट की वजह से ही तुम्हारी जिंदगी चल रही है, समझे? सर नॉनसेंस, क्या है सर? सर पैसा होगा तभी तो मेंटेन होगा। इसे पकड़ो, पैसा होगा तभी तो मेंटेन होगा, ऐसे कैसे मेंटेन होगा? नॉनसेंस, इडियट, स्टूडेंट, नॉनसेंस, ये सब। बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ। गुड मॉर्निंग सर। ए इस प्यून को अंदर किसने आने दिया? सर ये प्रोफेसर से। सर कितने लोग हैं? 8 लोग हैं सर। तुम लोग रेलवे स्टेशन पर बीड़ी सिगरेट बेचने का काम करते हो क्या? तुम लोग प्रोफेसर हो? तुम्हारी शक्ल तो कामत क्लब के मैनेजर से मिलती है। क्या नाम है तुम्हारा? निर्मल पांडे। टीका कहाँ है? पसीने से मिट गया। नॉनसेंस। बाप रे कितनी गर्मी हो रही है। ए सारे रजिस्टर ठीक से मेंटेन करते हो? हाँ सर ठीक से करते हैं। कितने बच्चे हैं? 160 सर। 160? सरासर झूठ बोल रहे हो। नहीं सर, चाहे तो आप देख सकते हैं सर, करेक्ट मेंटेन करके रखा है। 160, 160। इसमें मेरा नाम नहीं है इसलिए 160 है। सोच के देखो, कुछ याद आया? मेहरबानी करके मुझे अपने कॉलेज में एडमिशन दे दीजिए सर, प्लीज सर। यू ब्लडी। नहीं 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 सर, रहम कीजिए, रहम कीजिए सर। सर सर 1.5 किलोमीटर वॉकिंग, 2 किलोमीटर साइकिलिंग करके आया हूँ सर। पूरे मालेगांव में एक ही कॉलेज है सर, मैं एकलव्य, आप द्रोण है सर। मेहरबानी करके नाम मत कीजिए वरना मैं बर्बाद हो जाऊंगा सर। चले जाओ, चले जाओ यहां से। दीवार से सिर टकराया। आदमी है कि सीमेंट? हम दोनों दोस्त बन जाए क्या? हाँ दोनों दोस्त बनेंगे ना। ला, 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 ला। दोस्त तुम्हारी जेब में कितना माल है? 100 रुपए। मेरे पास 100 रुपए, तेरे पास 100 रुपए, चल इनको 1,00,000 रुपए बनाते हैं। 1,00,000 रुपए? ए, इसे पकड़, रश बहुत है। अरे रश बहुत है, रुपए रास्ता बनाता हूँ। बोल भाई, मैं तो ठीक हूँ। 50 का ठीक है, तेरे नाम से लगा देता हूँ। चल 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 चल। अबे
हीरो पे पैसे क्यों लगा दिए? तुझे खेल के बारे में पता नहीं क्या? येड़ा है तू। अरे इसको मटका कहते हैं। वो का मतलब है ओपन। क्या ओपन? खेल का ओपन। चौका गया, चौका गया। अपना भी चौका, उधर भी चौका। अगर दूसरी भी चिट्ठी का नंबर आ गया ना, तो अपने 100 रुपए का 40,000 रुपए हो जाएगा। मेरा भी लगा दो, मेरा भी लगा दो। अरे इतनी सारी भीड़ इसी के लिए तो खड़ी है। आज मैं भी इसके पीछे मरूंगा। बाबा आ गया। अरे नहीं यार, चला गया। क्या क्लोज? क्या क्लोज? अरे खेल क्लोज। मेरा पैसा गया। अगर और पैसे हैं तो दे, लगाता हूँ ना। नहीं है। आ, ये तो है ना। अरे बेच के पैसा डबल करके देता हूँ ना। अरे जाके बोल दो 2 हफ्ता और लगेगा। जाओ जाओ जा, ये लीजिए काफी। ठीक है ना यार, कर देंगे। मालकिन कौन है? अच्छा तू आ गई मछली लेके, चल पीछे से आ जा। आती हूँ आती हूँ। हाँ, वो झूठे पैसे सारे डिब्बे में जमा करो और नोट सारे बोरी में बांध कर रखो। मछली साफ करके काट के रख दी है। मालकिन थोड़ा सा अचार, घर में अचार खत्म हो गया है, ऐसे ही खा ले।